नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा सपना दिखाया कि राजा के स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर दिया। और दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि कल रात स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और अब उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वो अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप और दान ये सब बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दे दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं था। पूरा राज्य दान करने के साथ राज्य का सारा धन भी वो दान कर चुके थे। अब ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे उसकी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो भी मुर्दे लाए जाते उनसे लेकर उन्हें जलाने तक का काम चांडाल ने उन्हें सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की कथा भी सुनो तो इस हाल से आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था और उसे अचानक सांप ने काट लिया। सांप का विष उसके अंदर फैल गया और वह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। महारानी शैव्या को कोई धीरज देने वाला भी नहीं था और ना ही उनके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती हुई बिलखती हुई अपने पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की देह ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए
कोई यहाँ मुर्दा नहीं जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जलाओ। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में आधी ले लें। और इतना कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि सभी देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज भगवान थे, सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। उन्होंने कहा, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम चली गई और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। तो यह थी भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।